नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित वर्मा। आज हमारे क्लिनिक पे अजेंद्र मिश्रा आए हुए हैं, स्माइल मेकओवर के लिए आए हैं। अजेंद्र, इनके सामने के दांत कुछ बाहर हैं, तो दांतों को अंदर करने के लिए हमको दांत निकालना पड़ेगा इनका पीछे का। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कई लोगों के मन में मिसकंसेप्ट रहते हैं कि दांत निकालने के बाद बहुत दर्द होता है, बहुत खून निकलता है, बहुत परेशानियां होती हैं। तो आज लाइव आप मेरे चैनल पे देखेंगे दांत निकलता हुआ, और देखेंगे कि दांत निकलने के बाद कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है अजेंद्र का। अजेंद्र से पूछेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अक्सर लोग, जैसा आपको पता ही है, दांत निकालते समय सबसे पहले इंजेक्शन दिया जाता है। अक्सर लोग डायरेक्ट इंजेक्शन लगा देते हैं, जो काफी पेनफुल रहता है। हम लोग इंजेक्शन लगाने से पहले जहाँ पे इंजेक्शन लगाना है उस जगह पे ये स्प्रे करते हैं, जिससे कि इंजेक्शन की जगह थोड़ी सी सुन्न हो जाती है और इंजेक्शन की प्रिक भी पता नहीं चलती है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं पेनलेस एक्सट्रैक्शन के लिए, जिससे दांत निकलते समय जरा भी दर्द ना हो, जरा भी परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं चीजें आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। स्प्रे करने के बाद हम लोग 2 मिनट का वेट करते हैं। को पहले स्प्रे करा, उसके बाद में हमने लोकल एनेस्थीसिया देकर उस जगह को सुन्न कर दिया। 5 मिनट वेट किया, अब इनका पूरा हिस्सा सुन्न हो चुका है। अब हम दांत निकालने की तरफ प्रोसीड करते हैं। आपने देखा लाइव दांत को निकलता हुआ, ना ही ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, ना ही कुछ पेन हुआ, कितनी स्मूथली सारा काम हो गया। तो अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल से काम किया जाए तो दांत निकलने में जरा भी पेन नहीं होता है, ब्लड लॉस नहीं होता है, बहुत ही आराम से काम हो जाता है। हम जानेंगे अजेंद्र से कि उनका एक्सपीरियंस दांत निकलवाने का कैसा रहा। उनको कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई? वो चूंकि बोल नहीं सकते हैं, इसके खाली जेस्चर से बताएंगे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आप पूरे कंफर्टेबल हैं। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले वीडियो में। त्रिदेव नमस्कार।